दोस्तों, आपका साहिल एजुकेशन पॉइंट रूलिंग में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पुनः बात करते हैं भारतीय भवन के एक्सरसाइज 2 का A। इसमें जो तीसरा नंबर का जो क्वेश्चन है कि समीकरण युग में 3x + ay = 1 और bx - 2y = 3 का हल x = 1 y = 2 है तो a और b का मान निकालें। चूँकि हमारे पास क्वेश्चन है पहला कि 3x + ay = 1, तो यहाँ हम 3x ले लेते हैं। x के जगह पर कितना लेंगे, 1 जो मान दिया हुआ, तो इस 1 को लिख लिए प्लस a जो क्वेश्चन में गुना y का मान है हमारे पास 2, तो 2 लिख दिए बराबर 1। 3 और 1 का गुना 3 प्लस a और 2 का गुना 2a = 1। चूँकि 2a = 1 यहाँ है, 1 प्लस 3 है तो इधर आकर के -3, तो हो जाएगा 2a = 1 में से 3 घटेगा तो -2, और a = -2/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा a = -1। -1 हो गया, देख रहे हैं। तो a का मान निकल गया। अब हम लोग को निकालना है b का मान। अब इसके b का मान निकालते हैं पुनः। अब क्वेश्चन को लिखते हैं कि 3x + ay = 1। जो क्वेश्चन हमने पहले आपको बताए थे, हमने तो 3x + ay का हमने तो निकाल ही चुके हैं। अब हमको निकालना है bx - 2y का मान में। तो कितना है, bx - 2y = 3। तो b गुना x की जगह पर हमारे पास है 1, तो 1 लिख दिए, -2 * y के जगह में है 2 = 3। b और 1 का गुना करेंगे तो हो जाएगा b, -2 * 4 = 3। अब होगा b = ये तो 3 पहले से है, -4 है तो ये हो जाएगा +4, तो b = हो गया 4 + 3 = 7। अब हमारे पास a का भी मान निकल गया और b का भी मान निकल गया है, अतः a = हो गया -1 तथा b = हो गया 7। यही हम लोग का आंसर हुआ। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप इसके बारे में ज़रूर बताएं, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक दें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।